दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं अमरु शतक के रचनाकार अमरु के बारे में ये पुस्तक मेरी उन्नीस सौ बानबे में आई प्रकाशित हुई अमर शतक का साहित्य शास्त्रीय अध्ययन और इस पुस्तक में अमर शतक के बारे में जो है जो विद्वानों ने कहा है उसकी मैंने समीक्षा की थी और इस पर विचार विमर्श हुआ आ, साथ ही इस पुस्तक में उनके जो सभी उन श्लोक हैं सौ सौ से अधिक उन सब का मैंने उल्लेख उनका हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है अमरुक दोस्तों बड़े दुर्लभ कवि हैं और इनके बारे में बहुत कुछ साहित्य शास्त्र के काव्य शास्त्र के जो विचारक हैं उनसे हमें जानने को मिलता है वो अमरुक युग कवि माने गए हैं और इनके बारे में कहा जाता है अमरुक युग कवि हैं उनकी कविता देववाणी का श्रृंगार है संस्कृत साहित्य में प्राय सभी समीक्षकों ने उनसे परवर्ती हैं जो किसी न किसी रूप में उनकी प्रशंसा की है सर्वप्रथम आचार्य वामन ने उनके चार श्लोकों को उद्धृत किया वामन ने उनके काव्य का उनका उल्लेख नहीं किया है परंतु वामन के पश्चात आचार्य आनंदवर्धन ने उनके तीन श्लोकों को उद्धृत किया उनकी रसात्मकता के मुक्त कंठ प्रशंसा की अनंतवर्धन के अनुसार अमरुक के मुक्तक श्रृंगार रस के प्रबंध काव्यों की ही भांति हैं। अमरुक से कबेर मुक्त का श्रृंगार रस चंदि प्रबंधाय प्रसिद्धा एव तो इसी प्रकार आचार्य अभिनव गुप्त ने भी अमरुक 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 कबेर एक श्लोक प्रबंध शतायते अर्थात अमरुक कवि का एक श्लोक ही सैकड़ों प्रबंध काव्यों के समकक्ष है यह उक्ति यह बात बहुत बड़ी बात है जो अमरुक कवि के बारे में अब अभि आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं तो दोस्तों ये पुस्तक बानवे में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद से अठानवे में इसका एक दूसरा संस्करण आया अब ये प्राय आउट ऑफ प्रिंट है प्रकाशित और बहुत सारे संस्करण भी मिलते हैं अमरुख तक के आ, लेकिन इसमें विवेचना भी है विश्लेषण भी है और अमरूख की कविताई का आनंद भी है उसका हिंदी अनुवाद भी मैंने किया था पाठालोचन एक प्रकार का इसमें मैंने प्रस्तुत किया था तो आज अपने दोस्तों के लिए जो साहित्य प्रेमी हैं और काव्य शास्त्र अमरुक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो एक श्लोक मित्रों जो उनका बहुत परिचित चर्चित श्लोक है उसको लेकर वो आपके सामने रख रहा हूँ शायद आपको अच्छा लगे ये प्राय एक श्लोक है जो अधिकांश साहित्यशास्त्र की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है और इस श्लोक के साथ ही मैं उनकी जो काव्य दृष्टि है उनकी जो रचनाशीलता है उसका श्रृंगार की जो परिणति है और उसके बारे में आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा तो श्लोक है प्रा, देखें निशेषचंदन स्तन निर्मसरागोधरो नेत्रे दूरनमनंजने पुलिता तन्वी तवे तनु मिथ्यावादिदूति बांधवजन्यज्ञात में पापी स्ना गता से न पुनस्तम तरह की शिकायत है नायक के पास से वापस आई हुई संभोग चिन्हों से युक्त दूती नायिका का एक कथन है नायिका कहती है स्वजनों की पीड़ा से अनजान ए मिथ्या वादिनी दूती झूठ बोल रही है तेरे स्तनों का चंदन लेप पुछ गया है अधरों की लाली मिट गई है आंखें अंजन रहित हो गई हैं और यह तेरा दुर्बल शरीर रोमांचित हो उठा है तो ऐसा क्यों ना हो और ऐसा कब होता है तो जब तू यहाँ से बावली में स्नान करने गई थी तो उस अधम के पास तो गई ही नहीं थी तो इस प्रकार के उक्त वैचित्र से अलंकृत सैकड़ों श्लोक हमें अमरुशतक की इस काव्य पुस्तक में मिल सकते हैं मिलते हैं इनका विवेचन विश्लेषण और इनका काव्य अनुवाद इस पुस्तक में किया गया था तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद